₹500 के अंदर स्पार्क के स्नीकर में भी ऑनलाइन आर्टिकल है SM615 ये देखिए जिसकी हम आती है ₹599। तो ये जूता 480 में मिल जाएगा आपको, 480 यानी 20% का डिस्काउंट और ये जूतों पे चलता है। दूसरा आर्टिकल है SM615 ये भी देखिए, ये भी ब्लैक कलर का है लेकिन जो इसका अपर है वो डिफरेंट स्टाइल में दिया गया है। ये आपका प्रॉपर जींस वाला जो कपड़ा होता है वो दिया गया यानी डेनिम और इसमें मेस वगैरह यूज करके इसको बनाया गया। इसका एक कलर और अवेलेबल है सर बॉक्स में, ये देखिए ये प्लास्टिक लगा होता है जिससे ये पूरे जूते का जो शेप है वो हमेशा बना रहता है। साथ में एक कागज का कैरी बैग रहता है तो इस बॉक्स में ये रहता है। एक और कलर अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलिव कलर ये देखिए। और ये इतना अच्छा जूता है कि लोकल में तो छोड़िए, लोकल में जैसा बना ही नहीं पाएंगे। और स्पार्क्स ने जो इसकी प्राइस रखी है एकदम रेवड़ी कर सकते हैं, जैसे लोकल भाषा में होता है कि जो चीज बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो ये स्पार्क्स की रेवड़ी है। दोस्तों आज हम लोग रियल टेस्टिंग करने जा रहे हैं स्पार्क्स का जूता SM615। तो आपने बाकी का रिव्यू देखा है तो हम लोग डायरेक्टली इसको पहन के देखते हैं कि कैसा फील हो रहा है पैर में। तो पहनने में तो ठीक ही तरह से आ गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। 7 नंबर का पैर था मेरा, 7 ही नंबर मैंने लिया है। तो फर्स्टली तो मैं बताऊंगा कि अंदर से जो है कंफर्ट इसमें ठीक है क्योंकि जैसे तरह से इन्होंने अपना अंदर की पैडिंग दी हुई है उससे पहनने पे थोड़ा कोजी फील आ रहा है। बहुत ही ज्यादा वैसा नहीं लग रहा है कि गड़ रहा होगा कुछ, तो काफी कोजी फील आ रहा है जिसकी वजह से रिलैक्स टाइप का लग रहा है अंदर से, मतलब कंफर्टेबल बहुत ही अच्छा है इसका अंदर से। हम लोग अब ग्रिपिंग का उसका देख लेते हैं, जैसे कि इसमें भी रबर सोल का यूज किया जाता है तो, लेकिन ग्रिपिंग जो है इसका उतना अच्छे से नहीं दिया है क्योंकि अभी ये टायर्स में मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा भी ले रहा हूँ तो थोड़ा आगे भाग रहा है, मतलब उतना अच्छा ग्रिपिंग नहीं दे रहा है जितना इसमें होना चाहिए था। तो ओवरऑल इसका ये है एंड लुक आप देख सकते हैं, लुक तो ये स्नीकर्स का काफी अच्छा देता है, मतलब ये आप डेनिम जीन्स वगैरह पे अगर इसको पहन, जैसे कि इसमें मैंने पहना हुआ भी है तो डेनिम जीन्स में या ट्राउजर में किसी तरह से भी 360 डिग्री की तरह से आप देख सकते हैं, सोल वगैरह भी काफी अच्छा है इसका, तो लुक इसका अच्छा रहता है। ओवरऑल इम्पैक्ट इसका जो है मतलब अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, जिस तरह से इसका प्राइस है उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस बात का जो ब्रांड होता है तो वो अपने आप ब्रांड की अपनी ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब जूता अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ना बहुत ही खराब है ना बहुत ही अच्छा, लेकिन एकदम ओके है ये शूज। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम लोग फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। जैसा मैं शुरू में ही पूछा था 500 में आज की डेट में क्या मिलता है, उसी हिसाब से स्पार्क्स 599 -20% का डिस्काउंट लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। 480 में एक अच्छा स्नीकर्स स्पार्क्स ब्रांड दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी में थोड़ा सा समझौता किया गया है, जैसे इसका जो सोल है वो थोड़ा पतला है, बाकी अपर की जो क्वालिटी है वो चाहे सम 608 था चाहे 615 अच्छा ही दिया था। बस क्वालिटी में इसके सोल में थोड़ा सा मुझे जब रियल टेस्टिंग किए तो लगा कि जमीन से थोड़ा फीलिंग कम आ रही, मतलब जो सॉफ्टनेस होता है जो अंदर से कंफर्ट होना चाहिए वो थोड़ा कम है, लेकिन बजट वाइज उतना चल जाएगा। अगर आपका बजट और 200-300 लगा सकते हैं तो 700-800 में स्पार्क्स के ही बहुत अच्छे अच्छे और भी जूते आते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ₹480 तक है तो आप ये जूता ले सकते हैं, चलेगा। ये आपका जूता पेस्टिंग वगैरह बहुत अच्छा है तो ये जूता चलने वाइज इसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। SM608 प्लस SM615 जिसका बजट ₹480 तक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।